हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे पाठ 7 गति एवं दूरियों का मापन के कुछ लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो आपके परीक्षा की दृष्टि से जरूरी प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, वायु में उपयोग किए जाने वाले परिवहन के दो साधनों के नाम लिखिए। परिवहन के वे साधन जो वायु में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं आपके, वायुयान और अंतरिक्ष यान, वैसे हेलीकॉप्टर भी है जैसे। दूसरा क्वेश्चन, स्थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के दो साधनों के नाम, स्थल यानी कि धरती पर, जमीन पर, ट्रेन है, बस है, कार है, ये आपके क्या हो जाएंगे, स्थल पर प्रयोग किए जाने वाले साधन। तीसरा क्या है, जल में प्रयोग किए जाने वाले परिवहन के दो साधनों के नाम लिखिए। जल में, पानी में क्या हो जाएगा आपका, समुद्री जहाज और नाव। चौथा क्वेश्चन क्या है, मापन क्या है, किसी अज्ञात राशि की तुलना उसी प्रकार की ज्ञात राशि की निश्चित मात्रा से करना मापन कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन, मात्रक किसे कहते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या, मात्रक किसे कहते हैं। मापन करते समय जिस ज्ञात राशि की तुलना अज्ञात राशि से की जाती है तो उस राशि को मात्रक कहते हैं। अगला, लंबाई का SI मात्रक क्या होता है, मीटर। ऐसी द्रव्यमान का ऐसे मात्रक किलोग्राम, समय का ऐसा ही मात्रक सेकेंड। सातवां क्वेश्चन, दो वस्तुओं के नाम लिखो जो विराम अवस्था में हो, रेस्ट पे हो, खड़ी हो, मकान है, मेज है, कुर्सी है, पेड़ है, खंबा है, ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर। और आठवां क्वेश्चन आपका, दो गतिमान वस्तुओं के नाम लिखो, पहला घड़ी की सुई, उड़ता पक्षी, चलती हुई कार, ये सारी आपकी क्या है, गतिमान वस्तुएं हैं। नौवां क्वेश्चन, सीधी सड़क पर वाहन की गति किस प्रकार की गति है, सरल रेखीय गति। घड़ी की सुई की गति किस प्रकार की गति है, वर्तुल गति। सरल रेखीय गति के दो उदाहरण, बंदूक से निकली गोली की गति सरल रेखीय होती है, स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ पत्थर ऊंचाई पर से फ्री हैंड से आप पत्थर को गिराओगे वो भी क्या होगा आपका, सरल रेखीय गति में आएगा। गतिमान सरल लोलक किस प्रकार की गति है, आवृत्ति गति। झूले पर बच्चे की गति किस प्रकार की गति है, आवृत्ति गति। वर्तुल गति के दो उदाहरण दें, घड़ी की सुइयों की गति, विद्युत पंखे की पंखुड़ियों की गति या साइकिल के पहिए की गति, ये भी क्या आपकी वर्तुल गति के उदाहरण है। छोटे छोटे दो क्वेश्चन है, रमेश की लंबाई 1.67 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में बदलिए। इजी सा है क्योंकि मैं पता है कि एक मीटर किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, तो 1.67 को किससे गुणा कर दिया 100 से, 100 से गुणा करोगे 167.00, आगे वाले जीरो लिखो ना लिखो 167 सेंटीमीटर हो गए। दूसरा, सीता के घर व स्कूल के बीच की दूरी 6,650 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में बदलिए। अब सीता के घर व स्कूल के बीच की दूरी 6,650 मीटर, ये आपके क्या है यहाँ पे मीटर थी, किस में बदलना आपने, किलोमीटर में, किलोमीटर में। अब 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है 1000 के, इसलिए 6,650 को क्या कर दिया 1000 से भाग कर दिया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई, क्या बच गया 665/100। अब नीचे 2 जीरो तो डेसिमल कितने डिजिट छोड़ के, 2 डिजिट छोड़ के, 2 संख्या छोड़ के, तो आंसर क्या जाएगा 6.65 किलोमीटर। थैंक यू।